नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, आपको सुजानगढ़ के प्रजापति भवन का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर प्रजापति समाज की कुलदेवी मां श्री यादव जी की जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताएँ बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है। साथ में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, माँ श्री श्री यादव जी की जयंती के दिन 19 तारीख को सुबह 9 बजे भव्य शोभा यात्रा प्रजापति भवन से निकलकर दुल्यावास पहुंचेगी तथा वहां पर स्वजातीय बंधु के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के अंतर्गत आज पहले दिन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं।
देखते हैं। ये भी डिजाइन सारे रहेंगे।
ध्यान दें, आप 15 मिनट और सेट हैं, यानी कि 15 मिनट और सेट हैं। Thank you.
ये था प्रजापति समाज का हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर प्रजापति भवन में आज प्रजापति समाज की कुलदेवी माँ श्री श्री यादव जी की जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वजातीय बच्चों ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया। ऐसे सुदागले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ऐसे सुदला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, आपको सुजानगढ़ के प्रजापति भवन का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर प्रजापति समाज की कुल देवी माँ श्री श्री यादव जी की जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चार दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरा दिन है और आज दो प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही है, जिसमें एक प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता और दूसरी प्रतियोगिता मेहंदी प्रतियोगिता है, और मेहंदी प्रतियोगिता में समाज की लड़कियाँ भाग ले रही हैं। आइए आज दूसरे दिन के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, देखो जो नो साइलेंस, हाँ एवरीबॉडी स्टॉप का वो रिजल्ट आपको कब अभी नहीं सुनाएंगे। ये रिजल्ट आप सभी बच्चों को 19 तारीख को जहाँ पे अपने भंडारे का कार्यक्रम है सभी को वहाँ आना है और वही रिजल्ट सुनाएंगे और वही प्राइज भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज आपने पार्टिसिपेट के लिए अभी आना ही नहीं है, है? 19 तारीख को सब लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ सबको उपस्थित होना है, सबको वही खाना लेना है और वहीं पे आपको एक पास कर चुके हैं, अब आप लोग शुरू कर सकते हैं। 5:30 बजे तक का समय है नहीं।
वाह है। वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी भाग लेने वाले आ चुके हैं, नीचे उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो चुका है। कृपया वाद विवाद में भाग लेने वाले अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो छात्राएं मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले रही है उन्हें वो मेहंदी प्रतियोगिता संपूर्ण होने के बाद अपना नाम नीचे आके रजिस्टर्ड करा देगी। Thank you.
एसएससीएल सुजला टीवी चैनल है ना अपना, उसमें इसकी आपकी पिक्चर आप में 19 तारीख को विद्यालय जाने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं कृपया छुट्टी रखें उस दिन, तभी आपको सारे कार्यक्रम देखने का मजा आएगा, समाज के साथ रहने का मजा आएगा, उस दिन आप छुट्टी रखिएगा। समय की बचत को देखते हुए आपको प्रमाण पत्र प्रसाद है, प्रसाद जाते टाइम लेके जाना है, और ये आपको प्रमाण पत्र गुरु जी चैनलों की और गुरु जी भजन जी ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जाते टाइम प्रसाद जरूर लेके जाना है श्री राधे माता का। कल आपको मालूम है कि कल विचित्र वेशभूषा के अंदर आए तो अपने परिवार के माताजी, दादाजी, दादी, चाचा, चाची उनको जरूर लेके आइएगा, थोड़ा उसमें क्या है कि वो लंबा चलेगा थोड़ा सा। कल विचित्र वेशभूषा है 5 बजे से, प्रतिभागी अपना सामान सब साथ में लेके आएगा, चाची भैया उनके साथ में आए आप, क्योंकि कल थोड़ी लेट हो सकती है, प्रोग्राम लंबा चलेगा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होगा कल। और बहुत लोग आपको देखने के लिए भी आएंगे, टीवी पर भी वो प्रसारण होता है, तो ये चित्रकला का हो गया बहुत अच्छा, आपने उसमें भाग लेकर उत्साह से जो कार्य किया बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ चित्रकला का। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेहंदी प्रतियोगिता है बहुत इंटरेस्ट से काम कर रही है, हाथ मान रही है, और अब सूचना मिल रही है कि सिर्फ 10 मिनट बाकी है। Thank you.
में शेष है। सभी बच्चियां लोग अब ये मेहंदी लगाने कार्यक्रम भाई लोगों ईमानदारी से, हाँ एकदम ईमानदारी से, हाँ समय का पालन करें, नियमों की पाबंदी, जब तक अपन नहीं मानेंगे काम कोई भी सफल नहीं हो सकता। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। पहले
कंप्यूटर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में भी किया जाता है। पहले जहाँ वित्तीय कार्य हस्तलिखित वही लेखों में लिखा जाता था, वही आज हम कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। हस्तलिखित वही खाते समय के साथ 10, 20, 30, 40 समय 40 साल के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में लिखा डॉक्यूमेंट सेव रहता है। वह हमारे द्वारा डिलीट करने पर ही डिलीट होता है। इस तरह है, इसने कागज की उपयोगिता को कम कर दिया है। कंप्यूटर एक ऐसा साधन बन चुका है जिससे हम कठिन से कठिन गणितीय प्रक्रियाओं को हल कर सकते हैं। इसमें समय की बचत होती है और हमें सुविधा भी बहुत अच्छी मिलती है। आजकल के जनरेशन कई प्रकार के कार्य अपने आप नहीं करती है तथा आजकल के बच्चे कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, इससे वो बाहर भी नहीं जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास नहीं होता है। बाद में आजकल कई बच्चे छोटी सी कैलकुलेशन अपने अपने दिमाग से नहीं कर पाते हैं और कंप्यूटर से कर पाते हैं तथा आजकल अपने कंप्यूटर हम बच्चे कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर कंप्यूटर चलाना जानता है तो वह अपने
शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का विशेष महत्व है। आजकल हाई स्कूल और कॉलेजों में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, जिससे शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने में आसानी होती है तथा इससे छात्रों का भी अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे छात्रों को अपने पढ़ाई से संबंधित अन्य बातों के अलावा अन्य भी कई प्रकार की विशेष जानकारी मिलती है तथा जो छात्र जिस विषय में रुचि रखते हैं तथा उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वह स्थान उनके घर से दूर होने के कारण विवाद आने में असक्षम होते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी उनके लिए एक सहायक के रूप में काम आता है, जिसके अनुसार कम दूरी वह काफी सस्ता होता है। धन्यवाद। हम देखते हैं कि आज छोटी छोटी सी गणना करने के लिए लोग एक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तथा वह आदमी को आलसी तथा सुस्त बनाता जा रहा है। इसके यह हानि है कि हमारे स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो रहा है तथा हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक अनुपयोगी है। और आजकल देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र तथा यह इसमें चिकित्सा के लिए दवाई तथा ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हमारे में बहुत हानि हो सकती है। इसमें हैकिंग आज एक आम बात हो गई है तथा कंप्यूटर से कोई भी अपना हमारी पूर्ण सूचनाएं तथा डाटा को चुरा भी सकता है तथा आज कंप्यूटर का प्रयोग करके मनुष्य अपनी आसानी से अपना जीवन बिता रहे लेकिन हमारे मनुष्य जीवन को यह नष्ट भी कर रहा है तथा हम देख सकते हैं कंप्यूटर अनुपयोगी चीज़ है। हम आज नेट का उपयोग करते हैं तथा चेक वीडियो चैट आदि से लगे हुए थे हैं। इसमें मेल मिलाप कम होता जा रहा है तथा आदमी एक दूसरे से मिलने तथा बजाय अपने मोबाइल के अंदर चैटिंग एवं वीडियो कॉल करते हैं, जिससे आदमी का मेल मिलाप कम होता जा रहा है। Yeah.
09 फ्रॉम फंक्शन। बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए उसके कारण जो 100 लोग जो काम करते थे वो एक कंप्यूटर करता है, मतलब जो 100 लोगों की जो सैलरी थी वो तो कंप्यूटर ने ले ली, तो अब काम कौन करेगा? यही है कि बेरोजगार हो गए। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ उस गेम के कारण बहुत से जाने जा चुकी है, मतलब उस गेम को खेलने के कारण ये है कि बहुत लोगों की जान जा चुकी है, और सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में बहुत लोगों की जान जा चुकी है, और ये सिर्फ कंप्यूटर के कारण ही हुआ था, कंप्यूटर लोग चलाते थे इसी के कारण लोगों की जान गई है। उसके अलावा मैं बोलना चाहती हूँ कि कंप्यूटर चलाते हैं लोग, उसके अलावा हम ज़्यादा देर चलाएंगे तो हमारे शरीर में दर्द होगा, उसके कारण बीमारी होगी, कान खराब हो सकते हैं, आँखें खराब हो सकती है, और हमारे बदन दर्द हो सकता है, और उसके कारण यही कि और वर्तमान युग में कंप्यूटर का महत्व मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर अधिक तेजी से कार्य करता है, जिससे कई जटिल एवं कठोर गणनाएं को समय में की जा सकती है, कुछ गणनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें मनुष्य को हल करने में अपना जीवन सारा दिन जाता है, जिसके और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत जैसे कि हमें कोई रॉकेट लॉन्च करे तो हम उसका पता लगाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, एवं हम उनके लिए जानकारी जैसे कि अभी मंगल ग्रह पर जीवन खोजा जा रहा है उसी पर जानकारी जा रही है, उसी के अंदर हम कंप्यूटर से सब कुछ पता लगा सकते हैं। यदि हमारे कोई सके संबंधी से बात कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन एवं कंप्यूटर हम उनके परवाह न करें, उनकी परवाह कर सकें एवं उनकी चिंता नहीं करें। जैसे कि अभी कुछ बुजुर्ग लोग जिनके नौजवान कोई बच्चे ना हो, यदि उनको कोई बीमारी हो तो वो अपने ऑनलाइन कुछ अपनी दवाएँ भी मंगा सकते हैं, जिनसे कि उनको कोई अपना कष्ट कोई कष्ट नहीं करना पड़े। धन्यवाद। निर्णय करना धन्यवाद मैडम। तो कई अनुपयोगी भी साबित हो सकता है कंप्यूटर, जिसका जो एक मशीन है जिसका आविष्कार इंसान ने ही किया है, आज वो खुद कंप्यूटर पर निर्भर होकर रह गया है। आज कंप्यूटर के कारण छोटी से छोटी गणना भी इंसान अपने आप नहीं कर पाता है, वो कंप्यूटर पर निर्भर रहता है, जिसके कारण हमारा दिमाग आज तो ये बच्चों का दिमाग भी विकास से हट गया है। यह था सुजानगढ़ के प्रजापति भवन से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर प्रजापति समाज के द्वारा आयोजित माँ श्री श्रीयादेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज दूसरे दिन एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।
ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, आपको सुजानगढ़ के प्रजापति भवन का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर प्रजापति समाज के द्वारा अपनी कुल देवी माँ श्री श्री यादव जी की जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की प्रतियोगिताएँ हैं। साथ में जो मुख्य कार्यक्रम 19 तारीख को जयंती के दिन माँ श्री यादव जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सुबह 9 बजे प्रजापति भवन से रवाना होकर दूलियाबास पहुंचेगी। आज तीसरे दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। 101 जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ मंच पर आए करेंगे, बच्चे का उत्साहवर्धन करेंगे। Great.
लगता है बाहर वालों को भी लेना चाहिए कि आज विधान समाज में कोई वैल्यू है। इसलिए आप मुझे जितना हो सके बचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
मैं कहाँ हूँ धन्यवाद। क्योंकि इनके कॉस्ट्यूम की थोड़ी प्रॉब्लम है, अखबार अपनी प्रस्तुत दे रही है, निर्णय मुझे ध्यान दें।
कोर शर्मा 175 यह था सुजानगढ़ के प्रजापति भवन से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर प्रजापति समाज के द्वारा अपनी कुल देवी माँ श्री श्रीयादे जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज तीसरे दिन विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसे सुजानगढ़ में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, ऐसे सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी, आपको सुजानगढ़ के प्रजापति भवन का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर 4 दिवसीय माँ श्री श्रीयादे जयंती मनाई जा रही है। माँ श्री श्रीयादे जी जो कि प्रजापति समाज की कुल देवी है, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज 19 तारीख को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग भाग ले रहे हैं। शोभा यात्रा अभी प्रजापति भवन से रवाना होकर दुलियाबास पहुंचेगी, जहां पर देवी माँ का भंडारा भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वजातीय बंधु माँ श्रीयादे जी की भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। आइए इस दिव्य शोभा यात्रा का अवलोकन करते हैं।
माता माता की श्री कुलदेवी राधे माता की श्री कुलदेवी राधे माता की
कुल देवी माता की, श्री कुल देवी माता की, श्री कुल देवी माता की, श्री कुल देवी माता की।
त्रिकुल देवी अति माता श्री, त्रिकुल देवी अति माता श्री, त्रिकुल देवी अति माता श्री, त्रिकुल देवी अति माता श्री। कृपया सहयोग करें।
मेरा श्रीमान मूलचंद जी रेवाड़िया से निवेदन है कि वो स्टेज पर विराजमान हो एज ए चीफ गेस्ट। हाँ मित्रों, इसी क्रम में जो वाद विवाद प्रतियोगिता का दूसरा जो अपोजिट पक्ष जो था विपक्ष, जिसमें प्रथम है जया कुमार श्री कृष्ण कुमार जी भोवरिया, सेकंड है शिवानी श्री कालोरा। आज की निवेदन है वो स्टेज के पास में यहाँ पे आ जाए और आराम से बैठे, ताकि जो है जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार आगे का कार्यक्रम संपन्न किया जा सके। सभी से मेरा निवेदन, राम लखन जी टूनवाल का लड़का, उनके कोई भी गार्जियन जो है वो इनाम ग्रहण करें। वेरी गुड, बच्चा उपस्थित है। उसके बाद पुष्पा हरिप्रसाद करें, जगह कम है कोई बात नहीं, आप अगर व्यवस्था में सहयोग करें आपके लिए आ रहे हैं, उनको प्राइज दें। हाँ नेक्स्ट में जो है काजल दीप मल्ली वासनीवाल। काजल आप जितना खाएं उतना ही ले, आप बार बार ले सकते हो परंतु झूठा नहीं छोड़े, आप इसको एक भी कण झूठा नहीं छोड़े है? सभी का यहाँ स्वागत है, सभी कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। रितेश के बाद तुषार कुमार मनोज जी कलोहिया और उनका मेरे को नजर भी आया था, अभी स्टेज पर आए चार जया कुमार जो लोग खड़े हैं, प्लीज ये आपका अपना कार्यक्रम है, उसका अपना कार्यक्रम है, साधुवाद के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को इनिशिएट किया। उसके बाद में हमारा जो कल का प्रोग्राम था विचित्र वेशभूषा, ये जो कल का हमारा ड्रेसेस का जो प्रोग्राम था उसकी विनर है तीनों लड़कियां। देखिए आप लोग भी आश्चर्य करेंगे कि इन सारे विनर्स में लड़कियां ज्यादा हैं, हमारे लिए खुशी की बात है, समाज के लिए खुशी की बात है। सभी समाज प्रेमियों से मेरा आयोजक वर्ग है उनकी उनकी हौसला आप जाए बढ़े और अगले साल यही कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आयोजित किया जा सके। संपन्न करो, इससे पहले दो मिनट के लिए आपके सामने आशीर्वचन स्वरूप श्रीमान मूलचंद जी रेवाड़ी है। धन्यवाद। श्रीहरि को नमन, प्रजापति समाज को नमन, बोलो जय से प्रजापति की जय। समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, माताएं बहनें बच्चों, मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है कि जो कार्यक्रम जितने जोश से ये हुआ है, सभी ने जो सहयोग दिया है, वाकई में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है सुजानगढ़ की सारी जनता में, सारे बाजार में। जितना हमारा जो संकेत करता हूँ कि इस तरह से अगर सारा कार्यक्रम में सहयोग देते रहे तो हमारा समाज एक मिसाल कायम करेगा, आने वाले समाज में हमारा स्थान होगा, प्रगति करेगा, समाज प्रगति करेगा तो देश प्रगति करेगा। मैं अपने कार्यक्रम के जितने भी टीम के जो कार्यकर्ता थे और जो समाज के जो कार्यकर्ता थे, स्कूल के कार्यकर्ता थे, उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तन मन धन से जो कार्य किया है उसका ये नतीजा है कि हम पूरे प्रोग्राम को सफल बना पाए हैं। जय श्री हरि माता, जय श्री हरि माता।
सुजानगढ़ में प्रजापति समाज का ये पहला श्री श्री यादव माता का कार्यक्रम है, जिसमें पूरा समाज एक साथ एक जजम पर बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं श्री यादव माता का। और आज से पहले सुजानगढ़ में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। सुजानगढ़ के तकरीबन 1751 मकान जो सुजानगढ़ में प्रजापतों के स्थित है, उनमें सभी एक साथ सबका सहयोग के साथ में 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख को तीन दिन अलग अलग कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उसके बाद में आज ये सामूहिक भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री यादव माता का सब प्रसाद पाकर के सब आनंदित हो रहे हैं। और ये सारा कार्यक्रम हमारा सब कार्यकर्ता एक महीने पहले से लगे थे और आज ये संपूर्ण होने जा रहा है। और सबके सहयोग से हम आपको संबोधित ये कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है और अपना जो समाज है, ये समाज सबको एकजुट करने के लिए जैसे गुड़ किलो को मिलाकर एक लड्डू बना के सबको स्वाद चखाना चाहता है, उस प्रकार से प्रजापति समाज भी अपने इस पूरे सुजानगढ़ नगर को दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से प्रजापति समाज के नागरिक होते हैं। धन्यवाद। यह था सुजानगढ़ के प्रजाति भवन और दुलियावासी हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज प्रजापति समाज की कुलदेवी माँ श्री श्री यादव जी की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा आपने देखा प्रजापति भवन पीसीबी स्कूल के सामने से रवाना हुई, मुख्य मार्गों से होती दुलियावास पहुंची, जहां पर अनेक लोगों का सम्मान किया गया, साथ में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापति समाज के अनेक लोगों ने माँ देवी के भंडारे के प्रसाद को ग्रहण किया। ऐसे सुदागले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।